तो फाइनली दोस्तों मिर्जापुर 3 इज कमिंग। बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते, बट उम्मीद है कि देर आए बट दुरुस्त आए हो गए। अब यार देखो, मूवीज को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि वेब सीरीज में ऐसी कोई वेब सीरीज होगी जो कि इस वेब सीरीज की तरह से हाइप जनरेट कर सके एंड इसके लिए लोग इतने पागल हुए पड़े। पंचायत का भी बहुत ज्यादा क्रेज है, बट इतना ज्यादा क्रेज भाई साहब मुझे नहीं लगता कि किसी वेब सीरीज ने आज तक कमाया होगा। भाई 3.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस मूवी के लास्ट सीजन को, जो सेकंड सीजन आया था वो आज से 3.5 साल पहले आया था 2020 के अराउंड में। तब से लोग इस सीजन 3 का वेट कर रहे हैं एंड मुझे लगता है कि अब उनका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि यार प्राइम वीडियो ने अपना एक शो किया था जिसमें बताया गया था कि भाई क्या क्या मूवीज प्राइम वीडियो में आने वाली है एंड क्या क्या वेब सीरीज आने वाली है। उनमें लिटरली मिर्जापुर 3 का भी ग्लिम्स दिखाया गया एंड बताया गया कि भाई या तो मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्ट में आने वाली है मिर्जापुर 3। एंड यार देखो, मुझे पता है कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पागल हुए पड़े इस सीजन 3 को देखने के लिए, जानने के लिए कि भाई गुड्डू भैया एंड मुन्ना भैया का क्या होने वाला है। क्योंकि यार देखो, मुन्ना भैया को लास्ट में मार दिया गया था इतना पता है, बट मैं ये भी बता देता हूँ कि 101% मुन्ना भैया जिंदा है। वो कमबैक करने वाले हैं इसमें, मतलब मर चुके हैं, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि यार देखो, मुन्ना भैया नहीं है तो मजा क्या आएगा, कालीन भैया से उतना मजा तो नहीं आता। एंड यार देखो, अगर आप लोग भी मेरी तरह इस वेब सीरीज को सीजन 1 से फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं है कि भाई आप लोग भी जानते होंगे कि मुन्ना भैया इस वेब सीरीज की जान है। एंड यार लिटरली जब प्राइम वीडियो के उस शो में जब वो ग्लिम्स दिखाया जाता है 20-25 मिनट का, उसमें जब ये कहा जाता है कि भूले तो नहीं हो हमें, एंड जब कालीन भैया घूमते हैं ना, लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। एंड यार दूसरी तरफ गुड्डू भैया एंड मीना भाभी का कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि यार देखो, उसमें ग्लिम्स में ऐसा दिखाया गया कि मतलब गुड्डू भैया के सामने मीना जी आती हैं एंड गुड्डू भैया उनका हाथ पकड़ के टांगते हैं, तो इसका क्या ही मतलब निकाले। मे भी हो सकता है कि उनको मालिश करवानी है। बाकी दोस्तों, हालांकि मुन्ना भैया का कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखाया गया है, इवन ये बताया भी नहीं गया है कि भाई वो जिंदा है भी कि नहीं, और ना ही वो लॉन्च फंक्शन में आए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है। 101% वो जिंदा है यार, मैं बता रहा हूँ ना। बाकी दोस्तों, तो फिर करो इंतजार, मे बी मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट में आने वाली है ये वेब सीरीज। बाकी दोस्तों, आप किस कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हो इस सीजन 3 का, मुन्ना भैया या फिर गुड्डू एंड मीना भाभी का, फिर भाग मीना जी का या फिर कालीन भैया का, कॉमेंट में जरूर लिखेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड